हेलो एवरीवन, आज की हमारी रेसिपी में हम हॉट एंड सार सूप बनाने जा रहे हैं। तो चलिए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई को गर्म कर लिया है, तो इसमें हम डालेंगे तेल। तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो इसमें हम डालेंगे लहसुन, अदरक, और इन्हें तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और अब इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च, प्याज, और इन्हें भी एक मिनट के लिए भून लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे पत्ता गोभी, गाजर, और इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है। और अब इसमें हम डालेंगे शिमला मिर्च, हरा प्याज, और इन्हें भी 1 मिनट के लिए भून लेंगे। और 1 मिनट भूनने के बाद इसमें हम डालेंगे सोया सॉस। यहाँ पर मैंने डार्क सोया सॉस यूज़ किया है, ग्रीन चिली सॉस, नमक स्वाद के अनुसार, काली मिर्च का पाउडर, और इन सारी चीज़ों को मिला लेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे पानी। पानी आप अपने आवश्यकता अनुसार डालें। यहाँ पर मैंने 4 ग्लास पानी ऐड किया है। सूप में से उबालना शुरू हो चुका है, तो इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर को घुलकर डाला है। कॉर्नफ्लोर थोड़ा कम लग रहा है, तो यहाँ पर 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और ऐड करेंगे। इसमें थोड़ा सोया सॉस भी ऐड करेंगे, क्योंकि सोया सॉस भी कम लग रहा है, क्योंकि आपको नाम से ही पता चल गया होगा हॉट एंड सार जो थोड़ा तीखा और खट्टा होता है, तो सोया सॉस और ऐड करेंगे। और यहाँ पर हमारा जो सूप है वो बनकर तैयार है। तो यहाँ पर मैंने इसे सर्व कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और इस पर कमेंट करना ना भूलें, और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें।